नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। हिमाचल प्रदेश में रोजगार का एक बड़ा अवसर जो है पुलिस भर्ती के रूप में हमारे युवाओं के सामने आया है, लेकिन इस बार की भर्ती अन्य भर्तियों से अलग होगी और इस बार भर्ती के लिए जो है वो नए नियम लागू किए जा रहे हैं। जी हाँ, इस बार जिलावार ये भर्ती नहीं होगी बल्कि मेरिट पर आधारित ये भर्ती होगी। यानी अब आप किसी भी जिला के हैं, आप अपनी च्वाइस जरूर देंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको वही जिला मिलेगा। यानी मेरिट के आधार पर इस जिले के व्यक्ति दूसरे जिले में भी जो है अपनी सेवाएं दे सकता है। तो आइए, ये जो पुलिस भर्ती पर है, इस पर जो बड़ा अपडेट है, इस पर आपसे विस्तृत चर्चा करते हैं। जिस तरह आप लोग जानते हैं, इससे पहले भी पद जो है पुलिस भर्ती के जिलावार विज्ञापित होते थे और जिला स्तर पर भर्ती होती थी, लेकिन इस बार की प्रक्रिया जो है वो पुलिस विभाग ने पहले से अलग कर दी है। इस बार भर्ती एजेंसी जो है लोक सेवा आयोग को बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कुल 1226 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें बैकलॉग के 30 और पद शामिल कर दिए गए हैं। ये युवाओं के लिए एक रोजगार का बड़ा अवसर है और प्रदेश के भारी संख्या में युवा जो हैं इस पुलिस भर्ती में अपना दाव अजमाते हैं और उनका पूरा प्रयास होता है कि वो इस रोजगार के अवसर को ना खो सके। तो इस बार की भर्ती जो है उसमें पहली बार ये तय किया गया है कि पद तो विज्ञापित जिला बार होंगे, लेकिन इस बार भर्ती जो है वो प्रदेश स्तर पे होगी। हालांकि पुलिस विभाग ने पहले की तरह भर्ती की रिक्वेस्ट जो है लोक सेवा आयोग को की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नए जो संशोधित पुलिस भर्ती नियम हैं उनमें इसका कोई भी प्रावधान नहीं है, इसलिए ये भर्ती जो है प्रदेश स्तर पर ही की जाएगी। अब नए प्रस्ताव के अनुसार इस भर्ती के लिए पद जिलावार जैसे तय किए गए हैं वैसे ही होंगे, लेकिन इन पदों पर नियुक्ति के लिए जिला के बाहर के युवक भी आवेदन कर सकते हैं। हर आवेदक को आवेदन के साथ प्राथमिकता का जिला जो है वो टिक करना होगा और मेरिट के आधार पर ही फिर नियुक्ति होगी कि किस व्यक्ति को कौन से जिला में नियुक्ति मिलेगी। इस प्रक्रिया में हो सकता है कि एक जिला का व्यक्ति दूसरे जिले में भी नियुक्त हो जाएगा। इस बार पुलिस मुख्यालय ने बैकलॉग के 30 पद भी इस भर्ती के साथ जोड़ दिए हैं, इससे अब कुल पदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। लोक सेवा आयोग इसी महीने पुलिस भर्ती के लिए पदों को विज्ञापित कर सकता है। इस भर्ती के लिए पहले ही चुनावी प्रक्रिया के चलते काफी देरी हो चुकी है। प्रदेश में लगभग 122 दिन की चुनाव आचार संहिता लगी थी, जिसके चलते सभी भर्तियां प्रभावित हुई हैं। इससे पहले 18 जून को हुई कैबिनेट में पुलिस भर्ती के लिए प्रदेश सरकार ने आयु में भी छूट दी है। इस बार अभ्यर्थी को एक बार सीमा में एक साल की छूट देने की मंजूरी दी गई है। अब 18 से 26 वर्ष की उम्र के सामान्य उम्मीदवार, 18 से 28 वर्ष के अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा और प्रतिष्ठित खिलाड़ी वर्ग के उम्मीदवार तथा 20 से 29 वर्ष के होमगार्ड कांस्टेबल के रूप में भर्ती के लिए पात्र होंगे। तो आप भी जुट जाइए, तैयारी कीजिए इस बार की पुलिस भर्ती के लिए सभी युवा। और इस बार जो है लगभग 1250 करीब पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। तो इस तरह के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।